वेलकम व्यूबर्स, आज का हमारा जो प्लांट है वो आजकल एक मोस्ट अंडर डिस्कशन प्लांट है किचन गार्डनिंग के हवाले से, जिसका नाम है स्टीविया। तो स्टीविया जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे जाना जाता है, और इसके बारे में कहा ही जाता है कि ये चीनी से कोई 10 गुना ज़्यादा जो इसकी स्वीटनेस है वो ये रखता है इसका जो पत्ता है। तो इसके बारे में मल्टीपल फैक्ट्स हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज हम आप लोगों के साथ इसकी सारी डिटेल्स शेयर करें कि स्टीविया प्लांट बेसिकली है क्या और इसे किस फॉर्म में किस तरीके से यूज़ किया। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। तो व्यूवर्स, ये स्टीविया प्लांट जो है इसका जो पत्ता होता है, इसके पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा मिठास होती है। यानी आप ये देखिए कि इसका जो एक लीफ है, ये लीफ जो है ये अगर इसको मैं ये तोड़ लूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये इसका जो एक लीफ है, ये लीफ जो है ये एक चाय के कप के लिए काफ़ी है। इसकी इसके अंदर इतनी स्वीटनेस होती है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ आरा हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जिनको FAQs भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो सिर्फ इसी हवाले से है कि हम आपको स्टीविया के बारे में इसकी डिटेल्स बताएँ। इसके बारे में अब देखें, दुनिया में इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसे इस तरीके से क्रूड फॉर्म में इसका यूजेज जो है रॉ फॉर्म के अंदर वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। और इसकी जो स्वीटनेस है, अब इसका ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है चीनी का। चीनी जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पे जो है ना ये डायबिटीज़ जो जितनी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में, बाकी दुनिया में भी शायद, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल थोड़ा सा बेहतर है। हमारे यहाँ तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि चीनी जो है उसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। और इसने तकरीबन हमारी जो 50% 60% पॉपुलेशन है उसको डायबिटीज़ में मुबतला किया हुआ है। और इसके साथ जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं जो अगली नस्लों में मुंतकिल होती हैं, और डॉक्टर्स के पास आप जाएँ आमतौर पर तो आपको बताया जाता है कि जो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसमें डायबिटीज़ है तो आपकी अगली नस्लों में भी मुंतकिल होने का उसका ख़तरा होता है। तो जो चीनी है, शुगर जो है, इसने नस्लों का बेड़ा गर्क किया। तो आने वाली नस्लें जो हैं अगली, उनका उनके साथ भी जो है ये एक ज्यादती कर रही है। तो चीनी जो है ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग जो हैं उसके इस्तेमाल को के ऊपर सोचें, और उसको उसका इस्तेमाल जो है उसको बहुत लिमिटेड होना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में आपको कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ फिर आगे दिल की बीमारियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ साथ चलती हैं। अच्छा, अब इसके बारे में, स्टीविया के बारे में जो मल्टीपल रिसर्चेज हैं जो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं, इसकी जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें इसके लीफ एज इट इज़ ड्राइड लीफ जो हैं वो भी मिलते हैं मार्केट में, और इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे ही यूज़ होता है, और इसको अभी तक जो FDA है, जो अमेरिकन जो फेडरल ड्रग एसोसिएशन है, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है। तो इसको रॉ फॉर्म में अभी तक उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, जिसको GRAS का स्टेटस बोलते हैं, ग्रास। तो GRAS कहा जाता है जनरली रिकोगनाइज्ड एज सेफ। तो ग्रास के तौर पे अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं मिली है। हाँ, इसके लीफ का एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसे स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड जो है वो उसको अप्रूव किया गया है। इसी तरह दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों में यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी अप्रूवल दे दी हुई है। इंडिया में शुरू में इसकी अप्रूवल नहीं थी, वहाँ पर जो शुगर केन एसोसिएशन है, जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसको काफ़ी अर्से अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और उन्होंने इसको बैन करवाए रखा, लेकिन फाइनली 2015 में इंडिया में भी इसकी अप्रूवल दे दी गई, और अब इंडिया में भी इसका वाइडली यूज़ होता है और वहाँ पे इसकी फार्मिंग भी हो रही है और सारी चीज़ें इसकी हो रही हैं। लेकिन अगेन, इसको एज ए फूड एडिटिव अभी तक इसको यूज़ करने की इसको परमिशन नहीं मिली। सिर्फ इसको जो है वो इसमें बेवरेजेस में और मुख्तलिफ जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर, और इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और रॉ फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रॉ फॉर्म में इसकी कितनी मिकदार जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी आपको मल्टीपल वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसको जितना मर्जी चाहें खाएं, आप इसे जितना चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें 10 दफ़ा इसका हलवा बना के खाएँ। तो ये सारी बेकार बातें हैं। जो सूजी होती है या जो गंदम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो वीट से बनी हुई, उनके अंदर अपने अंदर भी ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो है वो जाहिर है कि वो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टीविया जो है ये एक नेचुरल प्लांट है और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन अगेन इसको इस्तेमाल करते हुए भी आपको इसकी मिकदार जो है उसका तयन रखना जरूरी है। इसका जो इसके अंदर जो स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड है खास तौर पे उसको ह्यूमन बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये जीरो कैलोरी कहलाता है और इसकी कोई कैलोरीज जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जाती, सिर्फ एज ए स्वीटनर जो है ये बॉडी के अंदर जा सकता है। तो मैंने अभी तक जितना इसके ऊपर पढ़ा है, जितना मैंने मेरी इसके ऊपर रिसर्च है, तो उसमें इसको इसका जो एक खाने का चम्मच है खास तौर पे या थोड़ा सा उससे कम, तो ये एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दिन के अंदर एक पर्सन जो है वो इसको यूज कर सकता है, जिसमें इसे आप सेफ समझ सकते हैं। और एक चम्मच जो है एक टेबल स्पून, इसका मतलब ये है कि तकरीबन वो कोई 15 से 20 चीनी के जो चम्मच है उसके बराबर स्वीटनेस रखता है। तो आप 15 से 20 चम्मच चीनी तो यकीनन आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो उससे कम जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा आमतौर पर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने इसे चाय में डाला तो इसका हमें कोई टेस्ट नहीं आया, इसकी जो स्वीटनेस थी वो उस तरीके से हमें नहीं आई। तो ये पत्ता जो है इसे अगर मैं इसी तरीके से, जैसे अभी ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मैं इसे अगर इसी तरीके से चबाना शुरू कर दूं तो ये हो सकता है कि मेरा मुंह कड़वा कर दे, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है वो इतनी तेज़ होती है। तो टेस्ट किसी भी चीज़ का होता है, उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करना पड़ता है, और फिर उसका टेस्ट जब डेवलप हो जाता है तो फिर आपको उसकी समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है। तो इसको पानी में उस वक्त डालें जब आप चाय बनाते हुए पत्ती वगैरह डालते हैं तो पानी उबलना शुरू होता है, तो उसी वक्त इसको पानी में डाल दें ताकि इसकी जो स्वीटनेस है इसके अंदर से वो पूरी तरह से प्रोसेस हो और वो पूरी तरह से वो बाहर आ जाए। तो उस सूरत में जो है वो आपको ये पूरी स्वीटनेस देगा। अगर आप इसे चाय बनने के बाद डालेंगे या चाय बनते हुए डालेंगे, तो चाहे आप इसका पाउडर डालें या कुछ भी डालें, तो स्वीटनेस जो है वो उस तरीके से नहीं आ पाएगी जितनी आप चाहते हैं। इसको उगाना बहुत आसान है, किचन गार्डन में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और इसको उगाने के लिए जो है वो हम जो फर्दर टिप्स हैं वो हम आपको एक किसी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि इस तरीके से ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, आप सब लोगों को बताना ये था कि ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है चीनी के साथ। तो चीनी जो है अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहें, या शुगर के जो पेशेंट्स हैं या जिनको नहीं भी है वो लोग भी अगर इसको चीनी को अपने अपने लाइफस्टाइल से उसको निकालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप चीनी जो है आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें, और उसकी जगह पर आप इसको एज ए नेचुरल हर्ब, एज ए नेचुरल प्लांट आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों को आप सुखा भी सकते हैं और उसे पाउडर भी बना सकते हैं, और इसको आप इसी तरीके से रॉ फॉर्म के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से कभी ख़रीदने जाएं तो मार्केट से इसे आप रॉ फॉर्म के अंदर ना ख़रीदें। मार्केट से जो है वो इस तरीके से, अभी ये मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये देखें ये इसके अंदर जो है ना स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड जो है ये इस तरीके से जो है वो आपको मार्केट के अंदर इसका पाउडर जो है वो मिल जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है वो केमिकली प्रोसेस्ड होता है और उसमें से उसका वो इंग्रेडिएंट निकाला हुआ होता है स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड, जो कि अप्रूव्ड है बहुत सारी एजेंसीज की तरफ से, जिसमें ब्रिटिश एजेंसीज भी हैं और जिसमें अमेरिकन जो FDA है वो भी है, उनके पास भी ये वहाँ पे अप्रूव्ड है। तो थैंक यू व्यूवर्स, आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो इसको उगाने के बारे में और ये आपको कैसे मिल सकता है और इसे हम फर्दर कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स जो है वो मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो इस हवाले से, कोई आपके सवालात हो, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सभी सवालात के आपको जवाब दे सकूं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।